ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है और ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलना है। नवाज शरीफ अभी तक सजा याफ्ता है और मरियम नवाज़ ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक्तदार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने करना है, तो फिर आइन और इदारे जो हैं उनको क्या हम कहें कि वो क्या करेंगे फिर? अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज़ फाड़ के उसमें पकौड़े बेचे जाएं, जो अगर मरियम नवाज़ की बात हम मान लें कि इलेक्शन का फैसला उन्होंने करना है और ये इक्तदार का फैसला नवाज शरीफ ने करना है, वो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और अभी तक उसकी जरूरत नहीं हो रही कि अपने भाई की हुकूमत में ही वापस आ जाए। हालत इनकी, इखलाकी हालत इनकी ये है और फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के, पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं लंदन में बैठ के। इनकी अपनी पार्टी एक बहुत बड़ी तोड़फोड़ का शिकार है। मरियम नवाज़ इदारों को धमकियां देने से बाज रहे हैं और आइन पाकिस्तान में सुप्रीम होगा, क्योंकि आइन के सुप्रीम होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम। स्टार न्यूज़ जियो पाकिस्तान के लिए।